हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर सिलेबस फॉर क्लास 2। तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 में जाने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्लास 2 में इस बार कौन कौन से नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और जिन टॉपिक्स को बच्चों ने क्लास 1 में पढ़ा था उनमें और कौन सी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। का फर्स्ट चैप्टर इस बार नाउन होने वाला है। नाउन का इंट्रोडक्शन क्लास 1 में हो चुका है। उन्होंने नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग पर रखा है और उनके एग्जाम्पल वर्कशीट कर रखे हैं। इस बार उन्हें कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन कराया जाएगा, जैसे बॉय, गर्ल। जब हम ये बोलते हैं मतलब पूरे बॉयज की बात हो रही है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेते हैं जैसे अमन, रिया, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। इस तरह से इनके डिफरेंस कराए जाएंगे, फिर उनके एग्जाम्पल्स, देन कराया जाएगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन है, और जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते जैसे मिल्क, ऑयल, आपके हेयर्स, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए। इस तरह से नाउन में इस बार इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा। देन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी उन्होंने इंट्रोडक्शन में कर रखा है, ही, सी, इट, दे। इस बार उन्हें पर्सनल प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कराए जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन जहाँ कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज हो रहा है जैसे आई, यू, ही, सी, इट, इसका यूज उन्होंने कर रखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे मी, यू, हर, इट, अस, हिम। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज हंग्री, गिव हिम सम फूड। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया यहाँ हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फूड के साथ इसका रिलेशन शो हो रहा है। इसी चीज़ को और डिटेल में समझाऊंगी मैं जब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी आज। इसके आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का भी इंट्रोडक्शन एज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्लास 1 में हो चुका है। इस बार उन्हें कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन सिखाया जाएगा। यूजेज ऑफ er प्लस दैन जैसे बिगर दैन, स्मॉलर दैन, फास्टर दैन। देन सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव में यूजेज ऑफ est जैसे बिगेस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट समझाया जाएगा। देन जेंडर, अब जेंडर को क्लास 1 में बच्चों ने मेल और फीमेल में पढ़ रखा है। यहाँ उन्हें प्रॉपर मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर ग्रामेटिकली टर्म से बताया जाएगा। देन कॉमन जेंडर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे जेंडर का पता नहीं चलता जैसे डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड। ये वैसे वर्ड्स हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल, अब सिंगुलर और प्लूरल में उन्होंने यूजेज ऑफ एस एंड ई एस सीखा था। इस बार बच्चों को इनके साथ VES और IES के रूल्स भी कराए जाएंगे। साथ में कुछ इरेगुलर प्लूरल्स जैसे फिश, शिप, डियर भी बताए जाएंगे जहां ये सेम होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेकिंग, अब क्लास 1 में उन्होंने सिंपल सेंटेंस मेकिंग सीखा था। यहाँ उन्हें नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन मेकिंग सिखाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस रिया इज हैप्पी, इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, मीनिंग सेम होना चाहिए जैसे सी इज नॉट सैड, और ये नॉट का यूज हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए रिया इज हैप्पी का क्वेश्चन हो जाएगा इज रिया हैप्पी, क्वेश्चन मार्क के साथ इसे ऐसे लिखना है, या फिर इज शी सैड क्वेश्चन के साथ। तो इस तरह से इस बार सेंटेंस मेकिंग में बच्चे को नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन मेकिंग सिखाया जाएगा। देन यूजेज ऑफ इज, आर, एम, हैज, हैव, वॉज, वेयर, कैन, कांट, मस्ट, मस्ट नॉट, हाउ मैनी, हाउ मच, इन सारी चीज़ों को भी सेंटेंस में कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कराया जाएगा। देन वर्ब्स, अब वर्ब्स को क्लास 1 में उन्होंने एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स के रूप में कर रखा है। यहाँ उन्हें सिखाया जाएगा कि वर्ब में ing ऐड करते हैं तो क्या मीनिंग होता है, कब यूज करते हैं। उसी तरह से वर्ब में ed कब लगता है और d कब लगता है, जैसे वर्ब प्लस ing प्लेइंग हो गया, प्ले में ed लगा तो प्लेड हो गया, और डांस में d लगने से डांस्ड। तो इस तरह से इस बार वर्ब्स में बच्चे को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, इनकी प्रैक्टिस कराई जाएंगी। देन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ उन्हें बताया जाएगा कि लिखते समय हम बहुत सारे वर्ड्स को ज्वाइंट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे इट हैज को इट्स, आई एम को इस तरह से अपॉस्ट्रॉफी डालकर आई एम, आई हैव इस तरह से, और इसी तरह से डू नॉट और डज नॉट इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। देन बच्चे को इस बार इम्पेरेटिव्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, यानी लेट्स और डोंट का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है या रिक्वेस्ट करना है या कुछ सजेशन देना है, जैसे लेट्स प्ले या डोंट गो देयर, इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन होगा। देन कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में उन्होंने क्लास वन में एंड और कर रखा है, इस बार उन्हें बट और बिकॉज का यूज़ बताया जाएगा कि सेंटेंस में कब और कैसे इनको यूज़ करना है। देन पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में भी क्लास वन में कैपिटल्स एंड फुल स्टॉप कर रखा है, इस बार कॉमा, क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रॉफी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज करना सिखाया जाएगा, सेंटेंस में प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। देन इंट्रोडक्शन होगा एडवर्ब्स का। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स जो वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब इनके टाइप्स का इंट्रोडक्शन होगा, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, इनका इंट्रोडक्शन होगा। फिलअप वाले सिंपल वर्कशीट कराए जाएंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी क्लास वन में हो चुका है और कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस भी कर रखी है उन्होंने, तो उसी से आगे इस बार कराया जाएगा। अप, अबव, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड एटसेट्रा और भी कुछ प्रीपोजिशन के नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, उनका यूजेस कराया जाएगा। देन टेंसेज भी इंट्रोड्यूस होगा इस बार, जैसे सिंपल प्रेजेंट यानी जो चीज़ें अभी हो रही हों, वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं उसके लिए, और सिंपल पास्ट जो चीज़ें हो चुकी हैं यानी वर्ब में डी या ईडी लगाते हुए जब यूज करते हैं, और सिंपल फ्यूचर यानी जो चीज़ें होने वाली हैं, कल परसों में होंगी, उसके लिए विल प्लस वर्ब यूज करते हैं। तो इनका भी सिंपल इंट्रोडक्शन इस बार उन्हें होने वाला है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। देन वोकेबुलरी। क्लास टू में वोकेबुलरी में होमोफोन्स कराए जाएंगे, यानी वैसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है पर स्पेलिंग डिफरेंट होता है और मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे सन और सन, इनकी साउंड सेम है पर इनकी मीनिंग एकदम डिफरेंट है। देन एंटोनिम्स यानी अपोजिट्स। क्लास वन में भी बच्चों ने अपोजिट्स किया हुआ है, अब उनका रिवीजन होगा और कुछ नए वर्ड्स भी सिखाए जाएंगे। देन सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी वैसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है पर मीनिंग सेम होता है, जैसे सैड और अनहैप्पी, दोनों की मीनिंग सेम है पर स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसके बाद वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स के, डब्ल्यू, एल, वी के वर्ड्स प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साइलेंट लेटर्स पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उससे आप अपने बच्चे को साइलेंट लेटर्स के वर्ड्स करा सकती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बच्चे को एक पैराग्राफ रीड करना है और उनसे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। देन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में पिक्चर कॉम्पोजिशन कराई जाएगी या फिर 8 to 10 सेंटेंसेज ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे माई हाउस, माई स्कूल, माई टीचर, या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने को बोला जाएगा, उन पे उन्हें सेंटेंसेस लिखने को कहा जाएगा। तो इस तरह से क्लास टू में इस बार बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना है ग्रामर में, और मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगी, तो हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।